तिचा तड़ा बाजी तिचा ना भैया रोबी भैया फोटोग्राफर हाजिर भाई नमस्कार हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स तरफ इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्शन गैंग एंड हाउस ब्रेक ऑफेंडर्स गैंग की डिटेक्शन तरवा अरेस्ट जरिए इप्वर की नागरू ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स की अरेस्ट जरिए एंड टू मेंबर्स एब्सकॉन्डिंग बेसिकली चार्मिनार तर्वाता चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की हेल्प कुडा एंटायर ऑपरेशन लो जरिगिंदी एंड थ्री पर्सन्स एंड वन हैबिचुअल ऑफेंडर हाउस बगलर नेमली हबीब मुस्तफा इज द मेन क्रिमिनल ई हबीब मुस्तफा पैना 15 नॉन बेलेबल वारंट्स pending undi and with this detection 15 property offences ki detection complete ayindi ee 15 cases lo Hyderabad Rajkonda and Siddipet commissionerate ki cases unnai and ippatavarki recovery lo 290 grams of gold ornament 217 grams of silver ornament 3 motorcycles 2 LED televisions, all worth 20 lakh approximately. ये recovery जरिए ये attention diversion gang members लो, number one is Salim Ali, son of Mehdi Ali, age 60 years, resident of Kamti, Nagpur, Maharashtra. तरवाता Muhammad Sadiq, son of Gulam Raza, age 24 years, resident of Nagpur, Maharashtra. Third is Qurban Ali, son of Ajaz Ali, age 23 years, resident of Kamti, Nagpur, Maharashtra, and two members are absconding. Absconding criminals Peru, Gulam Raza, atan native of Nagpur, Maharashtra, and Ajiz Ali, atan kuda native of Nagpur, Maharashtra. Property seized already mi samaksham lo undi. Background gurunchi additional DCP task force. Chakravarti garu meeku entire detail lo. He will tell you about it. Itla detection jargindi. And group gang leader ki criminal history 1993 nunchi undi. A notorious criminal. And various police station, Kotwali police station of Baba Ganpistadu.
మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది, మీకు అన్ని మంచి జరుగుతుంది, ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పోతాయి, మీ పెట్టిన వాల్యుబుల్స్ కూడా డబల్ అవుతాయి అని అంటారు. ఎప్పుడైతే అతను వెళ్ళిపోతాడో వీళ్ళిద్దరు ఆ డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎంటైర్ ఆపరేషన్లో మొత్తం సీసీటీవీ బేస్డ్ మీద డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే బిఫోర్ ఐ కమ్ టు సెకండ్ కేస్, ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్ గ్యాంగ్ హిందీలో చెప్తున్నాను. నమస్కార్. ఆజ్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కే తరఫ్ సే హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ కే తరఫ్ సే ఏక్ ఇంటర్ స్టేట్ అటెన్షన్ డైవర్టింగ్ గ్యాంగ్ ఆర్ హౌస్ బ్రేక్ ఆఫెండర్ इस गैंग का डिटेक्शन हुआ और इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लगभग 290 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 217 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, 3 मोटरसाइकिल्स, 2 एलईडी टेलीविजन, टोटल वर्थ 20 लाख रुपीस आइटम का सीजर भी हुआ. ये 19 फरवरी आज कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और उनके साथ हैदराबाद के चारमीनार और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलकर ये अटेंशन डाइवर्शन का जो गैंग है, 3 मेंबर का गैंग, और ये लोग हैबिचुअल हाउस बर्गलरी भी करते थे, जिसका कि जिसमें हबीब मुस्तफा, जिसके ऊपर 15 NBWs है और लगभग 15 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इन द लिमिट ऑफ हैदराबाद, राजकोंडा और सिद्दीपेट कमिश्नरेट में कमिट किए ये लोग. अटेंशन डाइवर्सन गैंग के जो मेंबर्स हैं उसमें सलीम अली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन ऑफ मेहंदी अली, रेसिडेंट ऑफ कामटी नागपुर महाराष्ट्र, और इसके साथ मोहम्मद सादिक सन ऑफ गुलाम अली एज 24, ये भी रेसिडेंट ऑफ नागपुर महाराष्ट्र. थर्ड कुर्बान अली सन ऑफ एजाज अली कैमटी नागपुर महाराष्ट्र, और जो अभी क्रिमिनल फरार हैं उसमें गुलाम रजा रेसिडेंट ऑफ नागपुर और अजीज अली रेसिडेंट ऑफ नागपुर, ये लोग दोनों भी अभी तक एब्सकॉन्डिंग हैं. इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में, सलीम अली के ऊपर कोतवाली पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में 1993 से केस है, उसके अलावा 2014 और में महाराष्ट्र में एक और पैधोनी पुलिस स्टेशन और कोतवाली पुलिस स्टेशन में दूसरा केसेस भी है. उसके अलावा मोहम्मद सादिक के ऊपर पंचकोली पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र और तहसील पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ केस है. कुर्बान अली के खिलाफ पंचकोली पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में केस है. इसमें जो प्राइम अक्यूज है सलीम अली एलियस बाबा, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और बार बार क्राइम करता है, ग्रुप लीडर है, और इसमें ये लोग बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं जो महाराष्ट्र में, वहाँ ये लोग क्राइम किए हैं. हैदराबाद में उपल और मार्केट पुलिस स्टेशन में भी इनके ऊपर केस है और चारमीनार पुलिस स्टेशन. ये लोग 4-5 मेंबर का ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद लो कॉस्ट लॉजेस बिजनेस एरिया में है जहाँ वहाँ जाकर आइडेंटिफाई करके रहते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं टारगेट ग्रुप. और कभी कभी ये लोग स्पिरिचुअल बाबा का भी रूप लेके पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं. और ये ओरिजिनली हबीब मुस्तफा जो है हैदराबाद का रहने वाला है और 1992 से ये ऑफेंसेस कर रहा है. इसके ऊपर अभी तक 42 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और 11 हाउस बर्गलरी है. टोटल 15 नॉन बेलेबल वारंट इसके ऊपर है, जो कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन, चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन, भवानी नगर पुलिस स्टेशन और CCS हैदराबाद में इनके ऊपर केसेस है. और ये सब ऑपरेशन हमारे एडिशनल DCP टास्क फोर्स भूमि चक्रवर्ती के लीडरशिप में हुआ और इनके साथ हमारे साउथ जोन के इंस्पेक्टर ऑफिसर S. राघवेंद्रा टास्क फोर्स साउथ जोन और सब इंस्पेक्टर ऑफिसर नरेंद्र, श्री साइलम, थकीउद्दीन, के चंद्र मोहन और पूरे स्टाफ ऑफ चारमीनार पुलिस स्टेशन एंड चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के लोग ये इतना अच्छा काम किए, हमारे तरफ से इनको हार्टी कांग्रेचुलेशंस.
Now second case.